हेलो दोस्तों, नमस्ते, सुपरवा, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, अभी का जो वीडियो है ये आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स है, उनकी करेंट एनर्जी, उनका मैसेज आपके लिए है। तो इस वक्त आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, आपसे कॉन्टेक्ट में है या फिर नो कॉन्टेक्ट में है, या फिर बिल्कुल आपसे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, और इस वक्त देखना चाहती हूँ कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ ट्रू इंटेंशन और उनका जो आपके लिए आपके प्रति जो इंटेंशन है यहाँ पे क्या है, ठीक है, वो आपको क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सबके लिए है, तो वीडियो को पॉजिटिव होकर सुनना है, ध्यान से सुनना है, जितना रेजोनेट करे उतना लेना है, बाकी को जाने देना है। तो कलेक्टिव रीडिंग हमेशा याद रखिएगा ये, ठीक है, और पॉजिटिव रहें, अपना अपनों का भी ख्याल रखें। पहले ही उड़कर आ गया है पेरेंट्स इश्यू, कुछ फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, पेरेंट्स इश्यू दिख गया, पहले ये कार्ड उड़कर आ गया डियर। तो पहला कार्ड है पेरेंट्स इश्यू, कुछ ना कुछ इनके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, कुछ पेरेंट्स से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, कुछ ना कुछ इनके ऊपर बर्डन है, और कुछ आपको लेकर भी उनके पेरेंट्स बिल्कुल तैयार नहीं हो रहे हैं। यहाँ पहला कार्ड आ चुका है डियर। तो चलिए, इंजेस गाइड कीजिएगा, डिवाइन गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूवर्स की पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या है, करेंट एनर्जी क्या है, क्या वो इस वक्त फील कर रहे हैं, क्या मेरे व्यूवर्स से कहना चाह रहे हैं। इंजेस गाइड कीजिएगा, डिवाइन गाइड कीजिएगा, कृष्ण गोविंद गाइड कीजिएगा, शिव शक्ति गाइड कीजिएगा, ऑल आर इंजेस गाइड कीजिएगा। चलिए देखती हूँ, इंजेस गाइड कीजिए, इंजेस गाइड कीजिएगा। आप लोग की सेवन चक्र की हीलिंग हो रही है, ठीक है, इसलिए असर दिख रहा है। सेवन चक्रा का मेडिटेशन आप लोग शायद कर रहे हो, आपके पार्टनर के ऊपर असर होने लगा है, ठीक है, प्रॉमिस याद आने लगे हैं आपके साथ, प्रॉमिस याद आने लगे हैं, ये कहना चाह रहे हैं मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं, ठीक है, इनके लाइफ की शांति भंग हो चुकी है, बहुत डिस्टर्ब दिख रहे हैं आपके पर्सन, उन्हें एहसास है कि आप उनके लिए बहुत खास हो और आप उनकी सोलमेट हो। कास्ट इश्यू, पहले ही पेरेंट्स इश्यू आ चुके हैं, अब कास्ट इश्यू, देखिए पेरेंट्स इश्यू है, कास्ट इश्यू मैंने बोला था, कास्ट इश्यू, फैमिली इश्यू यहाँ मुझे दिख रही है। ये पर्सन आपसे मिलने के लिए बहुत बेताब, बहुत ही तड़प रहे और काफी पैशनेट हो रहे हैं, न्यू स्टार्ट के लिए कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन आपके तरफ, ठीक है। अगर आप दोनों में जो मतभेद हुआ है, विश्वास की कमी हुई है, आप दोनों में फाइटिंग हुई है, आप दोनों ने एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करके रखा है या फिर एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर कहना चाहते हैं आपसे, वो प्यार करते हैं, आप विश्वास करो, ठीक है। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, अगर आप नो कम्युनिकेशन में हो या फिर बात हो रही है और किसी वजह से आप इग्नोर कर रहे हो या फिर अपने लाइफ में स्टक है, फैमिली इशू, पेरेंट्स इशू चल रही है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे मौका मांग रहे हैं और ये बहुत परेशान है अपने लाइफ में, ठीक है। गलतियों का एहसास होने लगा है इस पर्सन को, अब एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, बहुत ही पैशनेट, सेक्सी, ब्यूटीफुल मेरी जान, आप उनके काउंटर पास हो, अब उन्हें एहसास होने लगा है, उनको माफ कर दो, बहुत प्रॉब्लम्स इनके लाइफ में चल रहा है और ये हैंडल नहीं कर पा रहे, ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं डियर, ठीक है, ये आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, अब ये स्टेप आपकी तरफ बढ़ाना चाहते हैं, अब इनसे रहा नहीं जा रहा है, जा रहा कुछ भी हो सकता है। जब इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ी, परेशानियां बढ़ी, बर्डन बढ़ा, स्टक है, लाइफ में चारों तरफ से अंधेरा हो चुका है, तो आप एक लाइट की तरह काम कर रहे हो, अब उनको एहसास हो रहा है कि आप उनकी एंजल हो। अब एंजल कैसे हो, एंजल तो सबकी मदद करते हैं, उसी प्रकार आप उनके लाइफ की लाइट हो, एंजल हो, जो हर वक्त उनको सपोर्ट करते हो, जैसे तू मेरा हमदर्द है, तो हम दर्द क्या करते हैं, एंजल्स भी हम दर्द होते हैं, हमारे दर्द को पहचानते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, हमें गाइड करते हैं, ठीक है, मुझे हम सबको प्रोडक्शन देते हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर भी वही बात करें, यू आर माय एंजल, अब क्या करें, अब इनका ईगो भी यहाँ काम नहीं कर रहा, ठीक है, अब इनका ईगो भी यहाँ काम नहीं कर रहा, अब उन्हें एहसास हो रहा है ये कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, अब ठीक है, ये कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो ये कहना चाहते हैं मुझे इग्नोर मत करो, ये कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्या बात है, बहुत प्यार बढ़ने लगा है आपके पर्सन को,
गुड न्यूज, आप लोग का कॉल मैसेज आ सकता है, अनब्लॉक किया जा सकता है, आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और आपको कुछ खुशखबरी गुड न्यूज मिल सकती है क्योंकि आप उनकी एंजल हो। अब बेताबी तो बढ़ रही है, तरफ तो बढ़ रही है, कॉल मैसेज आने की संभावना बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, नहीं तो टैक्स आ सकता है, अनब्लॉक किया जा सकता है और आपकी तरफ आपके पार्टनर बढ़ भी रहे हैं, ठीक है। वेटिंग एनर्जी, कुछ के लिए वेट करना पड़ सकता है क्योंकि हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, ठीक है, तो थोड़ा वक्त दीजिए लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। अट्रैक्शन और चाहत बढ़ती जा रही है, यहाँ फिजिकली बहुत ही आपको वो फील कर रहे हैं और आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, काफी सपने आ रहे हैं, ठीक है, आपके पार्टनर को आपको लेकर, और बेताबी बेचैनी बढ़ती जा रही है और आपके सपने में भी आपके पार्टनर आ रहे हैं और ये बेचैनी बेताबी कह रही है यू आर माई एंजल और मैं आ रहा हूँ या आ रही हूँ, ये आपके बगैर बिल्कुल खुश नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर दो, हो सकता है इन्होंने काफी वेट कराया है, थोड़ा सा और वेट कर लो, ये आपसे अब आपके पर्सन कहना चाहते हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, तो ये आप उनके काउंटर पार्ट हो या सोलमेट हो या ट्यून जर्नी है, तो इनको ऐसा एहसास हो रहा है क्योंकि इन लाइफ ने बहुत फ्लर्टिंग किया है, बहुतों के साथ एंजॉय किया है, लेकिन आपने उनको हिलाकर रख दिया है, उनको तोड़ कर रख दिया है, आपकी नाराजगी उनके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट की कि इनको जीना दुश्वार हो गया है। अब ये पर्सन को तो ऐसा एहसास हो रहा है कि आपके साथ उन्होंने गलती की है और ये आपको मिस कर रहे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं, ये कोशिश कर रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए। थर्ड पार्टी इशू बहुत स्ट्रांग है, जहां वो बहुत परेशान है और वहां से निकलना चाहते हैं, रीयूनियन, तो देखिए डियर बहुत आज की एनर्जी है रीयूनियन, बहुत लोग की रीयूनियन हो रही है, बहुत लोग का कॉल मैसेज है, कुछ लोग के पार्टनर आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा वेट कीजिए क्योंकि हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस हो, तो ये थोड़ा सा आपको वेट करा सकते हैं क्योंकि ट्रैवल करने में भी वक्त लगता है, ठीक है। देखिए थर्ड पार्टी को लेकर अभी भी इनके लाइफ में ब्लॉकेज है, जहां परेशानियां बहुत बढ़ रही है, ठीक है। कर्मा, देखिए थर्ड पार्टी ब्लॉकेज एंड कर्मा, कुछ कर्मा रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, कुछ कर्मा रिलीज हो रहे हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिए, सही समय का इंतजार कीजिए, आपके पार्टनर के लाइफ में अभी भी ब्लॉकेज है, अगर आप लोग अपनी हीलिंग कर रही हो तो आपके पार्टनर एकदम से प्रोसेस में है, जो कि आप लोग की गुड न्यूज मिलने वाली है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस, मैंने क्या बोला कि कुछ लोग मेरे व्यूअर्स लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, तो आप लोग का कॉल मैसेज आ सकता है, हो सकता है वो ट्रैवल कर आपके तरफ बढ़े, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है। कुछ लोग की रीयूनियन हो सकती है और यहाँ पे गुड न्यूज मिल रहा है, कॉल मैसेज आ रहा है, तो यहाँ पे बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, वो आ रहे हैं, ओहो क्या बात है, कुछ शादी और कुछ कमिटमेंट को लेकर बात हो सकती है, ठीक है, कुछ शादी को लेकर कमिटमेंट को लेकर बात हो सकती है, इसलिए ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। लीगल इशू, थर्ड पार्टी, देखिए मैंने क्या बोला, हनीमून, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है, सबसे बड़ी बात यहाँ पैशनेट हो रहे हैं, बहुत अटैचमेंट, बहुत अट्रैक्शन, लेकिन लीगल इशू, थर्ड पार्टी इशू, ब्लॉकेज और कर्मा, अब ये पर्सन स्टेप बढ़ाने वाले हैं, अब ये पर्सन स्टेप बढ़ाने वाले हैं, जिनके जिनके सेवन चक्रा हीलिंग हो चुकी है, अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी की एंडिंग बहुत जल्द हो रही है, कर्मा रिलीज हो रहा है, ब्लॉकेज हील हो रहा है, क्योंकि आपकी शक्ति, आपकी पावर ने आपके पार्टनर को निकलने पे मजबूर कर दिया जहां ये फंसे हुए थे। लीगल इशू से आपके पार्टनर निकल रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द आप लोग का गुड न्यूज भी मिल सकता है, यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है, और ये आपको बहुत जल्द खुशखबरी भी सुनाने वाले हैं और आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। तो जिन आपके साथ इन्होंने प्रॉमिस किया और आपके विश्वास को तोड़ा है, ट्रस्ट को तोड़ा है, अब ये नहीं चाहते हैं कि आपके विश्वास को वो तोड़े, अब वो चाहते हैं आपके साथ मैरिज करना, परमानेंट यूनियन करना और आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना, लेकिन ये पर्सन इसलिए आपको वेट करा क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, कुछ लीगल इश्यू चल रहा है, कुछ थर्ड पार्टी प्रॉब्लम चल रही है, जहां कर्मा रिलीज हो रहा है और ब्लॉकेज इस वजह से आ रहे हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है, ये पर्सन पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, इन्हें एहसास हो चला है कि आप उनकी सोलमेट हो और आप ही उन्हें कंप्लीट करते हो, उन्हें पीस और शांति आपसे मिलती है, आपसे ही सारी खुशियां मिलती है, चाहे वो मेंटल हो, मेंटली हो, फिजिकली हो, जिस तरह से हो, तेरे चेहरे में वो जादू है, ठीक है, तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खींचा आता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर
चलाता हूँ। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे हैं थर्ड पार्टी से कि चाह कर भी जब भी आपसे डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, आप में कौन सा जादू है, कौन सा अट्रैक्शन है जो आप उन्हें खींच लेते हो, जबकि थर्ड पार्टी इशू है। ठीक है, कभी कभी इनके माइंड में दो माइंड चलते हैं जहां जगल करते हैं, लेकिन फिर भी आप में कौन ऐसी पावर है, कौन ऐसा अट्रैक्शन है कि जब भी आपसे दूरियां बनाने की कोशिश करते हैं, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज्यादा पैशनेट होते जाते हैं। आप बहुत खूबसूरत हो मेरी जान, यू आर सेक्सी एंड ब्यूटीफुल मेरी जान, फास्ट लाइफ रिलेशनशिप, वाओ, यू आर माई अदर हाफ। उनको एहसास हो चला है, क्योंकि देखिए इनकी हेल्थ इश्यू भी हो रही होगी, उन्हें कुछ फील हो रहा होगा बॉडी में, क्योंकि इनके बॉडी में भी पेन हो सकता है, हेडेक हो रहा था, डिप्रेशन, टेंशन, तो कहीं ना कहीं अपने बॉडी में कुछ ऐसी एनर्जी फील कर रहे थे जैसे उनको फील हो रहा था कि उनके शरीर का कुछ अंग गायब है, मिसिंग है। अब वो मिसिंग एनर्जी को दूर करना चाहते हैं और आपके तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपके विश्वास को ये बढ़ाना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपसे पास्ट में झगड़े किए, फाइटिंग किए, डिस्टेंस मेंटेन किया, काफी कुछ आप लोगों के बीच हुआ, ब्रेकअप हुआ, बहुत बुरी तरह ब्रेकअप हुआ, लेकिन इस ब्रेकअप ने आपके पार्टनर को एहसास दिला दिया, क्योंकि इनके लाइफ में बहुत सारे लॉस हुए। अब करियर को लेकर, मनी को लेकर, पैसे से रिलेटेड, आपको लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर दिमाग में इस पर्सन को चल रहा है, लेकिन इस वक्त ये कहना चाहते हैं काश मेरे पास तुम होता या होती। ठीक है, ठीक है, ऐसी भी एनर्जी इनकी, देखिए थोड़ा सा इस पर्सन की पर्सनालिटी जो है ना, कुछ अच्छी तरह अपने आप को बैलेंस नहीं किया है। ठीक है, थोड़ा सा इनको इनमेच्योर वाली एनर्जी देख पा रही हूँ। ठीक है, अब ये बैलेंस करेंगे, ग्रोथ होती हुई दिख रही है, ये हैंडल करेंगे अब रिश्ते को, पेरेंट्स को, थर्ड पार्टी को, आपके रिश्ते को, अब ये बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका कॉन्फिडेंस जागेगा जब ये आपसे मिलेंगे। ठीक है, इनको काफी एक्सपीरियंस मिल रहा है आपसे जुदा होकर। ठीक है, काफी इन्होंने देख लिया आपसे दुनिया बनाकर, अब इंसान को मिलना है आपसे, ये सोच रहे हैं। ठीक है, ये कुछ अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, करियर में, जॉब में, नेम में, फेम में, लेकिन आपके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। इन्हें एहसास हो सकता है, हो सकता है कि आपके बगैर कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पे आपकी, मुझे लग रहा है इस पर्सन को आपकी जरूरत, आपकी मदद की जरूरत है। बहुत व्यूअर्स को मुझे यहाँ दिख रहा है कि लाइफ में फाइनेंशियली बहुत इनको बुरे फेस देखने पड़ रहे हैं और ये आपसे हेल्प मांगना चाहते हैं। कुछ के पार्टनर आपसे डायरेक्ट बोल सकते हैं, कुछ के पार्टनर बातों बातों में कह सकते हैं। ठीक है, इनकी कंडीशन अभी ठीक नहीं चल रही है, ये मेहनत भी कर रहे हैं, उसका फल नहीं मिल रहा है, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, उनका ये फल इनको नहीं मिल रहा है, और ये चीज कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर ऐसा कुछ फील हो रहा है कि ये दूरियां और आपका नाराज होना, आपको दर्द देना, आपको धोखा देना, झूठ बोलना और थर्ड पार्टी में जाना, कहीं ना कहीं इस पर्सन के लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आए, जहां इनकी हेल्थ इश्यू हुई, फाइनेंस लॉस हुआ, करियर चौपट हो चुका, इनका बिजनेस ठप हो गया, बहुत लॉस हुआ। ठीक है, अब इन्हें एहसास हो चला कि आप जब थे, क्योंकि आपको इन्होंने एंजल बोला, ठीक है, आपको इन्होंने एंजल बोला, प्रॉमिस तोड़ा, अब ये प्रॉमिस करना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। इनके दिमाग में कुछ, देखिए इस पर्सन के दिमाग में कुछ प्लानिंग चल रहा है। ठीक है, पैसे से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, और आपकी तरफ एक्शन लेना है। जब तक ये पर्सन आपसे नहीं मिलेंगे, इनके लाइफ में चेंजेस नहीं आएगा, ऐसा ये फील कर रहे हैं। अब ये मजबूर हो गए हैं, कुछ मैरिज से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड कुछ आपसे बात कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी आपने देखा, पेरेंट्स इशू देखा, कर्मा देखा, ठीक है, ब्लॉकेज देखा, थर्ड पार्टी इशू देखा, लीगल इशू देखा, तो क्या हो रहा है, लेकिन ये सब तोड़कर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, चाहते बढ़ रही, आपकी जरूरत इस वक्त हो रही है, इसलिए आप एंजल हो। ठीक है, इनको मदद चाहिए आपसे मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली। कुछ व्यूअर्स से आपके पार्टनर फाइनेंशियली हेल्प लेना चाहते हैं, या फिर हेल्प किया हो, या फिर उन्होंने मुंह खोला हो, ऐसी भी एनर्जी है, ये अब आपसे मिलना चाहते हैं। यहाँ पे मेरे कुछ व्यूअर्स, आप चाह कर भी आगे तो बढ़ रहे हो, ठीक है, आगे तो बढ़ रहे, लेकिन चाह कर भी आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो। दिल कहता है कि इनका हेल्प मैं कर दूं, फिर एक कदम रोकता भी है, लेकिन आप बहुत ही इमोशनल हो जा रहे हो कि नहीं मदद करना चाहिए, तो आप कहीं ना कहीं इमोशनल भी हो रहे हो और इस रिश्ते में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, ये आप
आपको ऐसा कभी कभी लगता है कि ये आपके दिल से खेलते हैं, तो इस वक्त मैं यही बोलूंगी कि आपका इंट्यूशन क्या बोलता है, आप सही डिसीजन आप ले सकते हो। ठीक है, ये पर्सन दिमाग से काफी चल रहे हैं, देखिए इस वक्त दिल से नहीं, ये दिमाग से चल रहे हैं। ठीक है, और आप दिल से चल रहे हो, इस वक्त भी आप दिल से चल रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि आपको दिल और दिमाग को बैलेंस कर चलना है। ठीक है, क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, ये आपको सोचना है। ठीक है, जिस वजह से आपके लाइफ में परेशानियां आई, आप भी बहुत बुरे फेस देखे हो, बहुत एंजाइटी, बहुत रोए हो, रात दिन आप तड़पे हो, काफी इंतजार किए हो, तो मैं यहां यही कहूंगी कि आपको मैं इतना बोल दे रही हूं, अपना इंट्यूशन को फॉलो करें, क्योंकि ये पर्सन फिर ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकता है, कुछ व्यूअर्स के साथ ऐसा भी होगा। ठीक है, कुछ के पार्टनर ऑन ऑफ सिचुएशन में फिर आ सकते हैं, इन्हें अभी भी दर्द है और ये इजहार नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त ये मजबूर हैं, क्योंकि कोई अब चारा नहीं है, आपकी तरफ ऑफर करना ही है, आपकी तरफ बढ़ना ही है, सिचुएशन ऐसी है कि स्टक है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, ये इनके दिमाग में चल रहा है, अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को ये बहुत दबा रहे हैं, लेकिन आपसे मिलना है, आप भी बहुत दर्द सहे हो। ठीक है ना, इस वक्त याद करो कि जितने आपने दर्द सहा, अब आपके पार्टनर आपकी तरफ किस तरह आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, आपको वो फील करना है, पहले आप दर्द में थे, आपने अपने ऊपर काम किया, आपकी पर्सनालिटी में निखार आ रही है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, तो इस पर्सन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है पहले ये बताओ। आप बहुत लोगों की मदद करते हो, अगर मदद नहीं भी करते हो तो आपकी चाहत होती है दिल से कि मैं किसी की मदद करूं। ठीक है, ये पर्सन अभी भी दिमाग से चल रहे हैं। ठीक है, सोच समझ कर डिसीजन लेंगे, और ये सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहते हैं, और चलने वाले भी इंसान हैं। अभी इस वक्त इनके ऊपर पता है क्या है, मैं आपको रियलिटी बताती हूं, इनके ऊपर अभी जो स्वभाव, इस पर्सन को भले ही एंजाइटी में है, अंदर अंदर गलतियों को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अंदर का जो स्वभाव इस पर्सन का एक लालची है, मतलब इनको नेम फेम और पैसा ये कुछ चाहिए, और आपके लिए टाइम नहीं है, आपके लिए सिर्फ प्यार, अट्रैक्शन और आपका सपोर्ट चाहिए। तो इस पर्सन के लाइफ में जो नेम फेम और जो लॉस हुआ है, उसको वो अपने लाइफ में फिर से लाना चाहते हैं, और इनको पता है कि जब तक वो आपके पास नहीं आएंगे, आपसे प्यार नहीं करेंगे, आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपका हेल्प नहीं मिलेगा, इनकी लाइफ आगे ग्रोथ नहीं कर सकती है। सबसे बड़ा इनके दिमाग में ये चल रहा है इस वक्त, लेकिन फिर भी ये पर्सन इतना पैशनेट हो रहे हैं, इतना पैशनेट हो रहे हैं कि आपकी तरफ कभी भी किसी समय एक्शन ले सकते हैं और आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। देखिए इस वक्त ये आपको कुछ कम से कम शेयर करेंगे, लेकिन ये पर्सन अंदर से बिल्कुल हार गया है, जैसे इनके लाइफ में ऐसा टावर मोमेंट आया है, जैसे इनको तोड़ कर रख दिया हो। रात भर ये पर्सन सोता नहीं है, काफी कल्पना करना, कंपेयर करना, इमेजिन करना, आप अपनी फीलिंग्स को, आपके फोटो को देखकर रोना, बात करना, लेकिन इस वक्त आपको वो हेल्प नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी परिस्थिति ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक्शन लेना चाहते हैं आपके तरफ। ठीक है, बहुत तेजी से बढ़ना चाहते हैं कुछ के पार्टनर डर भी रहे हैं, लेकिन कुछ के पार्टनर थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस है, कुछ लीगल इश्यू चल रहा है, कुछ कर्मा रिलीज होंगे और ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे, तो कुछ देर शांत लीजिए। अगर 7 चक्र का आप मेडिटेशन कर रहे हो तो आप अपनी हीलिंग करते रहें, पॉजिटिव रहें, और जितना हो सके आप मैनिफेस्टेशन करते रहें, खुद को हील करें। जब भी एंजाइटी कुछ होता है तो अपने आप को प्रोटेक्शन ले आर्कएंजल माइकल से, और जितना हो सके अपने स्वभाव में, विचार में पॉजिटिविटी लाएं और ग्रेटिट्यूड शो करें। ठीक है, और मैं साइन बता देती हूँ, कुछ लोगों को साइन तो सारे ही मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मिथुन यानी जेमिनी हो सकते हैं, कन्या यानी वर्गो हो सकते हैं, एक्वेरियस कुंभ राशि हो सकते हैं, पाइसेस मीन राशि हो सकते हैं, लिब्रा तुला राशि,
लियो सिंह राशि, कन्या वर्गो राशि, कर्क कैंसर, ये सब लगभग सारे साइन है, ठीक है, सारे साइन है जो मैं यहां देख रही हूं जिस लेटर में, उसके अनुसार मैं बात कर रही हूं, सारे साइन के हैं, ठीक है। बस आप तैयार हो जाइए कि आपको कैसे एक्शन लेना है, आपको क्या करना है, इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, गाइडेंस को फॉलो कीजिए, आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और इन्हें जरूरत भी है आपकी, फाइनेंशियली मेंटली एंड फिजिकली पीस और शांति, अवंडेंस सक्सेस आपके तरफ ये बढ़ रहे हैं, तभी इनके लाइफ में सक्सेस आएगा, इनका इंटेंशन ये है और ये बहुत ही अट्रैक्ट हो रहे हैं, पैशनेट भी हो रहे हैं आपके क्लोज आने के लिए, तरफ और बेचैनी बढ़ रही है इनको, तो तैयार हो जाइए और गाइडेंस को फॉलो कीजिए, ठीक है। चलिए, वीडियो कैसी लगी आपको, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा डियर। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।